शिखंडी को रथ पर रख के आना, और जब शिखंडी तेरे रथ पर हो तो आज सुन। अरे बचन को पालन खरीद लिए, उसी समय मार रहा और अगर तेल फेर करी तो सुने अर्जुन, जब तक मेरे हाथ में धनुष रहेगा तो तेरे जैसे हजारों को अर्जुन हो, और जब तेरा रत्ना आकरे ऐसे हजारों सहैया तेरे रत्ना हो, लेकिन हाथ में हथियार रहेगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। लड़ाई शुरू हुई, भगवान कृष्ण इधर से गए अर्जुन को लेकर के, ऐसा युद्ध किया था गंगा पुत्र भीष्म ने जिस समय सूर मध्य में आ गया था, तब ऐसे बाण मारे थे गंगा पुत्र भीष्म ने कि कौं तो डरे अर्जुन, तो कौं डरे कन्हैया, कौं डरे घोड़ा, कौं डर जाकर विध्वंस कर दिया था सब सेना का। अब कन्हैया रह गए अकेले और धरती पर खड़े हैं अकेले, और सामने गंगा पुत्र भीष्म का रथ था, और जाकर अकेले नियंत्र तो नहीं लड़े गए काहे पे हत्या तो नहीं लगे, और जाकर निहत्य दिखे सो गंगा पुत्र भीष्म ने तरकस में जब तीर निकालो जो सीना बत्तानो, भगवान चारों लोग लिखाई करी सो अर्जुन को पता नहीं उन्होंने की अब अके कुनबा को कोई ना मरे हो बाकी कन्हैया तो मर न पड़े। तो जब भगवान सोलह करा भूले अरे जब पड़ी गुआ चढ़िया Oh, yeah.
सुन भूले सो रथ पपैया उमरिया उठा कर चाकर भाजे भीषम सोई भीषम पितामह ने हत्या धर के कई मारो जा तो चाहती हो तुम मारो पर ध्यान करो प्रभु प्रतिज्ञा टूट गई है। सो एकदम भगवान मां के में रुके तब तक तो अर्जुन ने भाज के दोनों पैर नहीं आगे प्रभु क्या करते तुम्हें प्रतिज्ञा करी अगर मैं हत्या नहीं उठाऊंगा तो अभी तो मैं जिंदा हूं अभी का कोई अर्जुन मर गया है सो तुम लड़ने जाओगे। भारत खैरिये कहां रह गई है डोरी हलिए ना पाई और बचत कुछ ना हो बनने की प्रभु चिंता मत करो चलो। तो जो कन्हैया गए और रथ तैयार किया घोड़ा फिर जोड़े और फिर जब अर्जुन को रथ पर बैठाया और तब कन्हैया ने रथ मोड़ा कहा जहां शिखंडी था वहां और शिखंडी अवतार के रथ पर थे और तब अर्जुन के सामने रथ पर आए और अर्जुन को जब लेकर के चले भगवान कृष्ण और जाकर गंगा पुत्र भीष्म ने धनुष उतार कर जोड़ डोरी तानी और शिखंडी सामने दिखो जो शिखंडी सामने दिखो है तब चला तो ज्यादा तीरा था पालो आज भीष्म की काया को छलनी कर दिया धरती पर जब गिरे तो बाणों की सैया बन गई है। ध्यान रखना श्रोता बंधु गंगा पुत्र भीष्म और तीरों की सैया पर आ गए थे उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जब सेनापति बने थे तो द्रोणाचार्य का सर काटा था धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न ने जब द्रोणाचार्य को मार दिया था तो उसके बाद सेनापति बने थे सूर्यपुत्र कर्ण। एक बात देखी होगी तुमने महाभारत में कि जितने दिन भीष्म लड़े थे उतने दिन कर्ण नहीं लड़ा। कर्ण ने हथियार नहीं उठाया 10 दिन जब तक भीष्म लड़ते थे तब तक। सो इधर जैसी घोषणा भई कि कल का सेनापति कर्ण होगा और जाकर कुंती है मालिम परी मालिम चोर की मेहतारी कोने में रोती है बैठ के तो आज कुंती अकेले में रोई है। अरे कुंती तेरे भाग्य कैसे हैं कि कल के युद्ध में वो दोनों तरफ से मारती जा रहे काउ लगते मरे मरे वो कुंती तेरो क्यों एक तरफ से जाएगा अर्जुन और एक तरफ से जाएगा कर्ण।